नाजरन मीरपुर खास ब्यूरो टाइम आया आया नजीर पंवर इन वक्त असि मीरपुर खास के खिपरो स्टैंड चौक से बिठा हूँ जिते मीरपुर खास का जो ट्रांसपोर्ट वेंदी है उमरकोट सांगड़ इंडा वेंदी है जो मीरपुर खास के खिपरो स्टैंड चौक से जो कब्जाखोर पारा कब्जा कर छियान उनका अलावा को भी सफाई जो इंतजाम सही को इतनी रश होंगी है जो इतना मानू जो सख्त परेशान थन्दा उनका बुधाइंदा अज असा मीरपुर खास ब्यूरो टाइम में असें नाजरन के यो बुधाइंदी तो मीरपुर खास का सांगड़ तकरीबन 70 किलोमीटर परे जो मीरपुर खास ज डिवीजन जो हेडक्वार्टर शहर है इनका अलावा मीरपुर खास जो कमिश्नर ऑफिस DIG ऑफिस तैलीम खाते ऑफिस समेत जो मीरपुर खास में ये मेन ऑफिस जो सांगड़ के मानून के इतने अचण में तमाम सख्त तकलीफ थे थी बुधाई हल गुजरल केतरे अरसे का इतने फंक्शन लीग की हुकूमत भी रही है इनका अलावा पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत रही है मगर सांगड़ जिले में अक्सर फंक्शन लीग वन की रही है उन बावजूद को भी कम को मीरपुर खास का जो सांगड़ रोड आंधा आंधा ऐसा टुटो पे केतर गाड़ियों के हादसा थन था केतर गाड़ियों जो किरी पवन थी उनका अलावा जैसे तैलीमी बोर्ड में मीरपुर खास जो इतने उतना जहाँ शागिर्द को अची सन अगर इतने मेन ऑफिस में अचन था कमकार के हवाले से वो भी इतने अची को सन कर तो सांगड़ का मीरपुर खास जो तकरीबन 40 मिंट जो भी पंद को अढ़ाई घंटे कलाक में अचणों तो पे इन करो ही अरसों गुजरी वो मगर ये मीरपुर खास का सांगड़ वेंदड़ रोड जो वो तैमीर को थे जैसे कर रवासी परेशान ये समझो तो सांगड़ जिलो मीरपुर खास डिवीजन के हेडक्वार्टर का कटो पे जैसे कर हुकूमत के घुर्जे तो सांगड़ रोड से थोड़ा तवज्जो दियण खपे अचो तो इतने मानन से असं ऐसी उन बारे में चवण पोजिशन है भला इन चौक से एतरी वही रश लगी पे उन अलावा जो मीरपुर खास का सांगड़ रोड वे तो इतने मान के अचण में तकलीफ थे थी इन बारे में तुझा मीरपुर खास का सांगड़ रोड ढो रश होंगी कारोबारी रोड है इन रोड से मीरपुर खास जो तकरीबन सजो कारोबार इन रोड से हलंदड़ है रोड की नाजाय तजावजा तमाम घना उनका सवा रोड की मरम्मत जो कम भी सही नमूने न थो है ठेकेदार जो से सिर्फ रोड़ी विछाया बाकी ही भला जो गाड़ियों या ट्रैफिक इतने जाम थे थी इतना शागिर्द स्कूलों जहाँ वनन था उनके का परेशानी को थे वही परेशानी है शागिर्दन ला सजे जिले डिस्ट्रिक्ट शागिर्द इतना अचण वजण है शागिर्दन के तमाम घनी परेशानी है कौन से मसले रोड के ऊपर ट्रैफिक भी जाम हो जाए ट्रैफिक जाम हो जाती है काफ़ी देर आधा आधा घंटा ट्रैफिक बंद रहती है जब पुलिस वाले आते हैं फिर जो है ना ट्रैफिक खुलवाते हैं ये सांगड़ और उमर को रोड तो 24 घंटे ही बंद रहता है साईं बादशाह आने जाने वाले को बहुत परेशानी होती है इधर जो है ना आधे आधे घंटे ट्राले आते हैं इधर इसके वाहन उतारने के लिए उसकी वजह से एक टैंकर खड़ा होता है तो काफ़ी देर तक रोड बंद रहता है गाड़ियों के टाइमों के टाइम मिस हो जाते हैं साईं चाचा ये मीरपुर खास डिवीजन का हेडक्वार्टर का शहर है ये सांगड़ रोड मुकम्मल तबाह है आप क्या देखते हो इस रोड के ऊपर इतनी ट्रैफिक भी जाम हो गई है रोड टूटे हुए ये रोड जो है चुरंगी है 4-5 रस्ते इधर से निकलते हैं कोई कंट्रोल नहीं है कोई तवज्जा नहीं है मशीनरी की कोई हुकूमत का इधर रुझान नहीं है उमर सांगड़ रोड तो बिल्कुल बर्बाद हो गया वहाँ तो आप ये समझो कि बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक गुजर रही है बड़ी मुश्किल है यहाँ के लाखों रुपये गवर्नमेंट वहाँ से ले रही है ये टैक्स इन लोगों से ले रहे हैं गाड़ी वालों से सब कुछ है लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है आप देखो मट्टी का जाल फेरा हुआ है पानी की दो गाड़ियां अगर इधर भेजें तब भी कोई मसला हल हो जाए आप देखें बारिश हो रही है लेकिन अफसरान जो है वो ऑफिसों से और बंगलों से निकलते नहीं हैं मैं और कुछ नहीं कहूँगा कायम अली शाह साहब कहूँगा कि मेहरबानी करके मीरपुर खास में पैदल सफ़र करो तो आपको पता चले कि ढोलाबाद क्या है उमरकोट रोड क्या है खिपरो स्टैंड क्या है गरीबाबाद क्या है ये बड़े संगीन मसाइल हैं सही इन रोडों पर तवज्जो नहीं की गई तो वाकई आखिर शहर बर्बाद हो रहा है और ये पूरा इलाके बर्बाद हो रहे हैं समझे बच्चों का गुजर सफर इधर से बड़ा मुश्किल है आधा आधा घंटा गाड़ी रुक जाती हैं क्योंकि बड़े बड़े ट्रायलों का गुजर होता है अब वो रोके अब बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सकते सही टाइम पर मीरपुर खास डिवीजन का हेडक्वार्टर का शहर है जैसे सांगड़ का रोड मुकम्मल तबाह है उसके अलावा शहर की बहुत हालत खराब आप क्या समझते हो यहाँ के स्कूल के बच्चे रोड स्कूल में टाइम पर पहुँच सकते नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं तो ये कहता हूँ कि कहते हैं कि जो जमहूरियत है वो मुल्क के लिए बेहतर है लेकिन मैं जो हालात देख रहा हूँ कि इस जमहूरियत से हमें मार्शल्ला ही बेहतर है जो मार्शल्ला में काम होते हैं वो जमहूरियत में आज तक हुए नहीं ना होंगे क्योंकि ये तबाहकुन बारिशों के बाद आप ये देख रहे हो कि रोड़ें जैसे मीरपुर की तबाह हुई हैं इसको आफतज़दा करार दिया गया था उसके बाद एक रोड भी नहीं मिला अगर सियासी तौर पर किसी को ठेका मिल भी जाता है
मिल भी जाता है तो वो साल साल दो दो साल रोड नहीं बनाता है, वो पत्थर सिर्फ बिछा देता है। पत्थर बिछाने के बाद जो है ना फिर एक साल उसको छोड़ देता है, उसके बाद फिर नया बिल पास हो जाता है, उसके बाद फिर वो पत्थर बिछा देते हैं, रोड कोई नहीं बन रहा है। अगर कैम अली शाह कहते हैं कि ये ना जमहूरियत है मुल्क में, अगर है मुल्क में जमहूरियत तो आप जो है ना कैम अली शाह खुद मोटरसाइकिल पर जहाँ कार के बगैर पैदल चलकर ये मीरपुर खास का एक चक्कर हमें लगा के दिखा दें तो हम कहेंगे कि जमहूरियत हमारे लिए बेहतर है। नहीं तो भाई हमारे लिए मार्शाला ही बेहतर है, कम से कम मार्शाला में काम तो होते हैं। क्या ये जमहूरियत जमहूरियत का राग अलाप रहे? जमहूरियत इस तरह की होती है जिस तरह से ये हमारी हालत है। आप थोड़ा सा ये रोड़ों का जो है ना ये धूड़ का ये दिखाएं, जहाँ कैम अली शाह यहाँ पर रोड पर आके एक घंटा हमें खड़ा होकर दिखा दें, खाली एक घंटा खड़ा होकर दिखा दें तो हम कहेंगे भाई जमहूरियत सही है, नहीं तो हमारे लिए मार्शाला ठीक है, माशाल्लाह को ही हम सलाम करते हैं। फिर रोड टूटा पियान भला ताके का परेशानी वगैरह कोन जी सर? परेशानी ता रोड ता पाने दिसो पे ना स्कूल में पढ़ाई है ना ही मास्टर जी क्लास में बैठा है ना पढ़ाई इतरो बे कोना मीरपुर खास में मास्टर भी जगह मवाली शराबी ट्रैफिक जाम होंदी है ने सा भला केड़ा मसला पैदा इने में मसला जाम है ना स्कूल वंजी सको पे टाइम ते ना पुजी बे सको क्लास में जो तो मास्टर बे सा के ना ता पढ़ाए नी अची बैठा है सजो डी ये मेहरबानी कर सके क्लास में जी मास्टर पढ़ाए ने कुछ ये मीरपुर का डिवीजन जे हेडक्वार्टर जे शहर है ते सजा रोड टूटा पियान ड़ी के मानन के केड़ी तकलीफ थी साईं को एड़ो इमरजेंसी केस असी अची तो वने उन के करे डाडी परेशान है सजो डी ट्रैफिक जाम बिल्कुल रोड टूटा पया ने ते या सामो अग्या गाड़ा वगैरह सब बैठा ने करे रोड बिल्कुल ही टूटो को तो कुछ भी मटी को तो सके ता टाला को एड़ो टालो तो अची वने बस ट्रैफिक जाम कलाक नी कलाक मोतल दे दी वने ट्रैफिक अच्छा ता समझो जका एनक्रोचमेंट थी पया इने में हते जी टीएम इंसा में आयो मुलवा साहब सर इने में थी सके मुलवा साहब लानी साई है पूछने नहीं आता है ओट लिया है बस गया और ना पानी है ना लेट है ना बिजली है ना गैस है हम लोग परेशान है गलियों को भी खाना खराब है ना रोड सही है ना कुछ यहाँ तो बस जो भी फेल जाता है वो अपना खा जाता है लेकिन देता कोई किसी को नहीं है जा रहा है रोजगार नहीं है हालात ऐसे ऐसे खराब कर रखे भूख से टकरा रहा बंदे ऐसे काम खराब कर रखा है। नाज़रीन इतने तक मानन जा विचार बुधा इनन जो यो चवणो तो न इतने रोड न रस्ता न को इनन जे इलाके में सुई गैस तो अचे न को पानी तो अचे उनके अलावा मीरपुर डिवीजन जो हेडक्वार्टर जो शहर आ जो स्कूल में शागिर्द वन था उनके सख्त मुश्किल परेशानी थे थी छाजे करे तो पहुंची को सकन इन भी अपील है तो हुकूमत के चूंडियल नुमाइंदन के उन्होंने ध्यान दियण खपे छाजे करे तो शहर सजो खंडरात बनल पे जैसे करे का भी तवजा को सरापा ये एहतजाज बनल इन चवण असो केर बुधवारो को अस बार बार शिकायतू क्यों तो उन बावजूद असि केर को बुधे। नाज़रीन असी इन वक्त मीरपुर खास का जो सांगड़ रोड आने निकल हुए मीरपुर खास सांगड़ रोड से जो सिंधड़ी इलाको आते अगूणो वजीर आजम ममन खान जुणे जो उन्हें हवाले से वो मशहूर आ जो घोट दीनमोहन जुणे जो है जैसे तो सिंधड़ी का जो रोड वजे तो सांगड़ ताई इतने मानन जहाँ खोड़ सारा मसला उनके इतना रोड टुटा पियान मानन के एतरी मुश्किल तो अचो तो इन मानन से पुछा करूँ तो कड़ा तह सा मसला दहे तो इतने मानन जहाँ कड़ा बुनियादी मसला जी बुनियादी मसला ये ट्रैफिक दिसो तो खड़ा दिसो हालत दिसो रोड जी तकरीबन पांच छह साल थिया मरामत भी नथी थे इतने अगर जे मरामत थे थी तो मिट्टी विछा हलिया था वन उन वेन्यून जी का कॉपिटेशन आ उनके टाइम घट हों कॉपिटेशन में एक्सीडेंट भी थन्दा हिंसर दिसो तमू जो ट्रैक्टर चालो वे पो इन धूड़ उड़ामे पी इन धूड़ के कर तकरीबन टे चार एक्सीडेंट भी थी चुका है छाजे करे वर इन रोड जी मरम्मत को थन इतने मान जहाँ मसला हल को थे चूंडियल नुमाइंदा वोट तो वा वोट वा पर साई कम कुछ घट था कन वोट वा अचन था बाकी कम नो पुजे समझ सबको अचे तो लालच से एकड़े जो अचन था बो जगह वही पुछाई को कन अच्छे गरीबन से गुजरे पो तक लहे पो मीरपुर खास में मू की वा हूँ कम कार के हवाले मीरपुर खास में सर ये वन सवारी वे पे ऐसो पा तो इतना तकरीबन चार कलाक में रसंद उतने वही समझी उन्हें करे यो या जो को रोड दिसो पे नमूनो दिसो पे जो समझी वो गरीब मानू छा करे सके तो वोट वठण हर को बजी तो जे बे इया केर पुछाई कोन तो करे के का केतरे अरसे का वाला रोड खराब है रोड से इलाही वक्त खराब है तकरीबन असान मुझे समझ में तो 25 26 साल चब थी वाना ले तो का रोड जी मरम्मत कोन थी है 70 किलोमीटर आ मीरपुर खास का सांगड़ पर मानू जे के वजन तो उनके केतरा कलाक लगी वंदा हुंदा सही 3 2.5 3 2.5 कलाक मन आराम से लगी जा 2 कलाक सब सही कार वाला स्कूल जा बारड़ा वगैरह ओ कीदा वजन वो सूरन में सही वो दर्दन सा सूरन सा जरा पुजंदा
बसन वाला किते ठेलन वाला किते किन बार रोड जी हालत लगी पया पासिंगर कोंदा मापन बसों कोनन गाड़ियों कोनन जे करे रोटी जे केरी गाड़ी भला इते डबल गाड़ी जे मथा में मानो वेरन ता हता जे पेरी हादसा बु थ्यान एक्सीडेंट बु थ्यान पो उन बावजूद मानो वेरन ता हता वाले जे इंतजामिया भला इनके कदे के पूछो ना ने सही इनके केर पूछना रही कोनी बशा जे अच्छे केर पूछाय कोनी आज आया वा के दिसो बस बियो का मानो कोनी पूछा करे तो छा थे तो छा कोनी थे इन रोड जे हालात दिसो पया त किथे टालो पियो आ किथे ट्रैक्टर पियो आ किथे छा पियो आ सब मानो परेशान लगो पियो छाजे करे भला इते कम कोंदा थे बस यो तो दिसियो तो हुकूमतू पान तो बस अचे पांजे मतलब सब को अचे तो खयो वने तो वोट बियो चाह वोट दियो बस जान छड़ियो ये ते रोड जे दायो दा कयो तो बा रोड आगे मिलन तो आगे सब कुछ मिली सके तो इते भला अगुणे वजीर आजम ममन खान जुड़े जो गोठ भी आए इन रोड ते इन का अलावा हिंसर शाजिया मरी भी जीती वही है पेरी फंक्शन लीग जो हुकूमत सही भला इन रोड कम कया ना इन अगैं फंक्शन लीग करन को कम कोन कया ठीक है सर हाँ साजिया मरी भी रोड बोट सब कुछ दींदी तवे पर हाँ अं तई तो को आसरो ही को समझी वोट वोट मिले अस इत सब मिलया हूँ अस वडेरा जो वो मिलया हूँ अस को सर अस गरीब आयो समझी केड़ा मसला है रोड ते भला रोड रेंड सो पण ता हालत था कितरे कलाक में ता पहुंचना है भला सफर आए कलाक जो पहुंच तो अभी 2:30 कलाक में गाड़ी ने हालत ता तबाई लगी पिया 2 कलाक मते गाड़ी अलग नुकसान अलग गाड़ी इतन नुकसान लगा पैसेंजर का पैसे ने पूछो बोले हालत था केड़िया मिरपुर खास डिवीजन जो हेड क्वार्टर शहर जो मिरपुर खास आ सांगड़ जा मानो भला की ते कम करे सा छी सकंदा सही बस जा जे ऑपरेशन कर टाका ही खुले नहीं देंगे 6 किलोमीटर घटना 1.5 लग वे अला डी बस के बो रोड के अध किलोमीटर हल तो वरी स्पीड ब्रेकर वरी स्पीड खबा खबा बस मांग वींदे वींदे बस अध टपड़े से पूरा थे डॉक्टर आए कुछ छत इलाज कर मू कहीं कम कार ला वा हूँ शहर चंगो भलो जो वे तो ना वो भी इन छाबन में माना बीमार थो अड़ी हालत रही पी भला इतना निमाइंदा कम को रोड ठे को रोड कम से ही कौन रोड है काफी टाइम से है पर कितनी देर में ता पहुंचना असा 2.5 कलाक में असा असी पांच पांच धंधे का बेदार रोड जो ठप हाल कोने को कल मु गाड़ी ते कल का वटी आज तई 7000 रुपया खर्च कियान कमाई टके जी कोने पर रुगो मेरे रेड़ू मा पंजे पाण के कितरे किलोमीटर जो सफर है जो को ता 2.5 कलाक में तय करे दा टोटल 70 किलोमीटर भी ना है असा 2.5 कलाक 3 कलाक पैसेंजर ने वटवटा जे को जे असा वेना रन जे पोया किराय घट को हां रोड से एड़ी हालत है 11000 जो टायर एकरो टायर फाटी वंजे महीने जी कमाई वई कल का वठी आज तई 7000 गाड़ी ते खर्च कियान 3000 कमानी ते खर्च कियान डेली एकरो पट्टो कमाने जे वंजे गाड़ी जे पोया डोड़ायो टेम असा 15 मिनट बस अग में निकरे बस जे पोया डोड़ायो कमाने इन बाद पट्टा वे कद टायर वे कद टाली आ एक साइड न थारे जलील जलील पे इते भला रात के टाइम ते के वारदात वगैरह थिन कुतन का अधिक वारदात रात के मानु अच्छी कोन सके गाड़ी चुराई कोन थी जे को अच्छे गाड़ी के हाथ रे चढ़ी वने फोरे गाड़ी के असा जो पैसा फोरे वने मोबाइल फोरे वने असा जलील पे रोड ते मीरापुर का सांगड़े जे को 3 किलाक लगी वे अन अन्या हलो बिया तमाम रोड जी हालत खराब आ गाड़ी हली न सके गवर्नमेंट के अपील है तो मेहरबानी करे ते आवाम जी बुधे छाजे करे भला रोडन ते पैसा भी अचन था एता चुंडेल निमाइंदा वोट बठन था उन बावजूद ते जा कम कोन पे थन सही का असा के तो खबर ही ना है अल्लाह तो जाने यो किम पे थे जान इते भला मिरपुर खास में मानु की विंदा होना कम वाले हवाले सा सही आड़ा असा के तो खबर है सा नवा मानु है ओडे का निकता हूं तो हाँ अस जो दिसूँ ता यो हालात दिसी ही रस्ते में दिसी अस तो 24 कलाक जो रस्तो है ये असा के 2.5-3 कलाक थी वह रस्ते में बीठा हूँ हाँ यो खबर को पवे थे वरी हो वरी इन एरिया वाला वडन के खबर पवे बीमार वगैरह मानु थन ता वो की ता मरीजन के खड़े सही बड़ी तकलीफ है बीमारन जी अस तो दिसूँ ता हालत रस्ते में ही बीमार फोत थी वेंदो हुंदो मरी वेंदो हुंदो ये तो तमाम वड़ी तकलीफ है रोड जी बे जी का सहूलत कोन मरीज मरियो ने उते रसे इता भले हैदराबाद या केदा में जायो कितनी देर लगनी है कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं अब क्या समझते हो स्कूल के बच्चे इधर से जा सकते हैं अगर किसी को तालीमी बोर्ड ऑफिस में जाएं या डीसी ऑफिस या कमिश्नर के पास नहीं टाइम पर नहीं पहुंच सकते कम से कम उनको आधी रात को निकलना पड़ेगा यहाँ से उसके बाद जाके पहुंचेंगे वो सुबह को रात के टाइम पे ये इलाका कैसे होता है सही नहीं है वारदातें काफ़ी होती है यहाँ पर कोई पुलिस वगैरह सब मुलव्वस है इसलिए क्योंकि जगह जगह पर चौकी है उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं होता उसके ऊपर ये कितने घंटे में गाड़ी पहुंचती है ये कम से कम ये 2.5 घंटे लेंगे 2.5 से 3 घंटे इससे पहले नहीं पहुंचा सकती रोड बना हुआ तो कितने घंटे का ये 1.5 से 1 घंटे का सफर है।